अब मोदी जी ने फिटनेस के मामले में भी सबको पछाड़ दिया है। यहाँ तक कि वो योग गुरु बाबा रामदेव के भी फिटनेस के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों से लोगों द्वारा मोदी को सबसे बड़ा फिटनेस गुरु माना जा रहा है। इसका कारण योग दिवस भी हो सकता है, क्योंकि सबका ये कहना है कि इतने व्यस्त होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री योग और व्यायाम को नहीं भूलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सुबह का वक्त तय कर रखा है जब वे अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, और उनके फिटनेस से न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी आकर्षित हैं। रिपोर्ट में सोशल पोस्ट और टेलीविजन के आंकड़ों पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि फिटनेस के टॉप 10 नामों में बाबा रामदेव, अक्षय कुमार, विराट कोहली, MS धोनी, टाइगर श्रॉफ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी हैं। इस रिपोर्ट में फिटनेस के साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि इन सितारों पर लोगों का कितना असर पड़ रहा है, लोग इन्हें YouTube और अन्य जगह पर कितना फॉलो कर रहे हैं और इनकी कितनी वीडियोस देखी जा रही हैं। लेकिन इस कड़ी में मोदी सबसे आगे हैं, क्योंकि सर्च में सबसे ज्यादा मोदी चल रहे हैं और उनके ही वीडियो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसलिए मोदी ने फिटनेस के मामले में सबको पछाड़ दिया है और वे लोगों के फिटनेस गुरु बन गए हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अक्षय कुमार एक ऐसे कलाकार हैं जिनका फिटनेस सभी के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहता है, और उनके जैसे दिनचर्या कई लोग करने की कोशिश करते हैं। वहीं हीरोइनों की बात की जाए तो प्रियंका चोपड़ा और शिल्पा शेट्टी इस मामले में आगे चल रही हैं, और खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली और MS धोनी फिटनेस में सबसे आगे हैं, और लोगों का असर इन पर देखा जा रहा है और फिटनेस के मामले में लोग इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन सबको पछाड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के फिटनेस गुरु बन गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।